सऊदी अरब अपने सख्त नियम और कानून के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में किन अपराधों के लिए सबसे क्रूर सजा दी जाती है। नंबर वन, सऊदी अरब का कानून इतना ज्यादा सख्त है कि अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे मौत की सजा से कोई नहीं बचा सकता। नंबर टू, शादी के बाद किसी गैर मर्द या औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी औरत या मर्द को सजा के तौर पर पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। नंबर थ्री, बलात्कार और समलैंगिकता जैसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को यहाँ माफी या जेल की सजा नहीं दी जाती, बल्कि आरोपी को सीधे सजाए मौत दी जाती है। नंबर फोर, इरादतन या गैर इरादतन हत्या जैसे अपराध करने वाले आरोपी को इस्लामिक कानून के तहत मौत की सजा दी जाती है। नंबर फाइव, सऊदी अरब में शराब पीना भी अपराध के अंतर्गत आता है, इसलिए जो भी व्यक्ति शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सजा के तौर पर 500 कोड़े लगाए जाते हैं। नंबर सिक्स, सऊदी अरब में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को भी गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा के तौर पर 100 कोड़े लगाए जाते हैं। नंबर सेवन, सऊदी अरब में चोरी और लूटपाट जैसी वारदाताओं को अंजाम देने वाले आरोपी को उसका दायां हाथ काट कर सजा दी जाती है। नंबर एट, वहां चोरी और लूटपाट के साथ हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बख्शा जाता, बल्कि उसे मौत की सजा दी जाती है। नंबर नाइन, सऊदी अरब में ड्रग्स की स्मगलिंग और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा के तौर पर कोड़े मारने से लेकर मौत की सजा तक दी जाती है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ही सख्त कानून बनाए गए हैं और यहाँ दोषी पाए जाने पर किसी को भी माफी नहीं मिलती, बल्कि उसे सजा दी जाती है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।